स्टूडेंट कहना होता है कि हमें पर्टिकुलर टेक्स्ट पर एनिमेशन लगाना है विद साउंड के साथ, तो कैसे लगा सकते हैं, कैसे हम टेक्स्ट को विद एनिमेशन एंड साउंड के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट है और आपको सीखना है टेक्स्ट में एनिमेशन लगाना विद साउंड, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो यहाँ पर टेक्स्ट में एनिमेशन कैसे लगाते हैं साउंड के साथ, तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर टेक्स्ट ले लेंगे। टेक्स्ट कौन सा रहेगा, हम ले लेते हैं टाइम स्टार को, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है। टेक्स्ट सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर एनिमेशन टैब मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एनिमेशन काफ़ी मिलेंगे, यहाँ पर आपको इंटरनेस, एम्फेसिस, एग्जिट और यहाँ पर मोशन पेथ मिलेंगे, यानी कि इस तरह के आप एनिमेशन लगा सकते हो पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक दो ही यूज़ करेंगे, बाकी का आप प्रैक्टिस कर लीजिए और कोई प्रॉब्लम आप हमसे पूछिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्लाई इन का ले लेते हैं। ठीक, हमने ये लिया टेक्स्ट एनिमेशन। अब दोस्तों यहाँ पर ये अभी फ़िलहाल इस तरह से आ रहा है। ठीक, अब हम इसमें साउंड लगाएंगे, तो यहाँ पर एनिमेशन पेन पर क्लिक करते हैं। एनिमेशन पेन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्विच बनेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा एफर्ट ऑप्शन, इफेक्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक छोटा डायलॉग बॉक्स आएगा एंड यहाँ पर साउंड मिल जाएंगे। अब आपको साउंड कौन सा रखना है आप देख लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुश, और यहाँ पर टाइमिंग, आप टाइमिंग कितना रखना चाह रहे हैं तो वो आप सेकेंड हिसाब से कर लीजिए। इतनी सेकेंड करने के बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर है ना, साउंड भी आ रहा है। चलिए मैं एक और बार प्ले कर देता हूँ आपको सामने, है ना। चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक और टेक्स्ट, इसमें एनिमेशन लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिजिट है 2015, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर एनिमेशन ले लेते हैं। यहाँ पर ये नहीं, कुछ और लेते हैं, लाइट यहाँ पर फिल आउट के ले लेते हैं, जूम की ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जूम की। ठीक है, एंड जूम की लेने के बाद यहाँ पर हम फिर से जाते हैं इसी के अंदर, यहाँ पर है इफेक्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर साउंड ले लेते हैं बॉम का। ठीक है, एंड टाइमिंग डालनी है आप डाल लीजिए और ओके पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर, अब हम इसे प्रीव्यू करते हैं F5 की से। ठीक है, देखिए है ना, एंड पूरे पे लगता है स्लाइड ऑन है ना। इस तरह से हम यहाँ पर पावर पॉइंट PPT के टेक्स्ट में एनिमेशन लगा सकते हैं विद साउंड। चलिए एक और बार प्ले करके दिखा दूंगा आपको, फर्स्ट एंड सेकेंड है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप तो इन छोटी चीज़ों से सीख कर ही आप सभी में एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको और भी चीज़ें और भी इफेक्ट आने लगेंगे सारी चीज़ें। बस आपको साउंड देना है, लेकिन चेक आपको ही करना होगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो एक बार मैंने आपको बता दी, हिंट दे दिए कि इस तरह लगता है, आप प्रैक्टिस कीजिए और आपको जो पसंद आए एनिमेशन दीजिए उसमें और साउंड लगाइए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।